₹100 में। अब हम एग्जैक्टली ढूंढेंगे हमें जाना कहाँ है, क्योंकि मुझे शॉप तो पता नहीं है। हाय गाइस, ये अभी नंगी टांगों का प्रदर्शन मत कर, ले जाने यहाँ से। अब किसी और चीज का प्रदर्शन हो रहा है। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप पता है गाइस, पता क्या है, क्या है, क्या है, मुझे भी नहीं पता। मैंने ना 2 महीने पहले, इस बात को 2 महीने हो गए जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना एक वो देखी थी, क्या बोलते हैं, एक दुकान में ना ये लिखा हुआ था, ₹100 में नेल एक्सटेंशन कराओ। अब इस बात को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं 2 महीने बाद जा रही हूँ, मुझे ये देखना है कि वो ऑफर आज भी अवेलेबल है या नहीं। अगर होगा तो कराएंगे, नहीं होगा तो मुंह उठा के वापस आ जाएंगे। वैसे मेरे पहले के नखून देख लो, कुछ ऐसे है, टू 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 टू, कुछ ऐसे मेरे नेल्स है। तो अब मैं ₹100 का नेल एक्सटेंशन कराऊंगी। अगर ₹100 का हुआ तो दोनों हाथ में करा लूंगी, ज्यादा महंगा हुआ तो एक भी हाथ में नहीं कराऊंगी। ठीक है, चलो। और चलो यार, कह रही हाय गाइस, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। चल ले, चल, लड़ मर के बनाया मैंने इसे अपने साथ चलने के लिए, और चल रही है लड़ मर के, है नहीं? अब हम एग्जैक्टली ढूंढेंगे हमें जाना कहाँ है, क्योंकि मुझे शॉप तो पता नहीं है, तो अब ढूंढनी पड़ेगी। तो वही हम ढूंढेंगे और फिर देखेंगे वो ऑफर अवेलेबल है भी या नहीं। अगर हुआ तो कराएंगे, नहीं हुआ तो नहीं कराएंगे, सीधी सी बात, नो बकवास। मार्केट में आ गए, अब हम करेंगे वो वाली शॉप सर जो ₹100 के नखून लगाती है। और यहाँ पर ना यार, मतलब करवा चौथ की वजह से अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह ये सारी चीजें रखी हुई थी। यार मेरा मन था मैं ले लूँ, बट मैं क्यों लूँ, मेरे तो किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे लगा हुआ था ट्रैफिक, फिर भी हम इधर उधर दाएं बाएं करके यहाँ से निकल ही गए हैं। और यार जब भी ना बाहर निकलो शॉपिंग करने का बड़ा ही मन करता है। यहाँ पे ₹200 का नेल एक्सटेंशन हो रहा था, लेकिन नहीं, हमें तो ₹100 का कराना है। हम तो ₹100 की दुकान ढूंढेंगे, दुकान कहाँ है तू? फाइनली मुझे दुकान मिल गई है, अब मैं जा रही हूँ और देखेंगे ऊपर क्या होगा क्या नहीं। अभी तो बस मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, मतलब 2-3 फ्लोर थे तो मुझे वहाँ पे जाना है। और फिर अभी मैंने कलर भी डिसाइड नहीं करा है, मुझे कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना, तो वहाँ पे जाके मैं चेक करूँगी कलर, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे होगा हमारा नेल एक्सटेंशन, और ये मैम अपनी टोकरी में जितनी भी नेल पेंट्स हैं, जो भी उनके पास प्लास्टिक के नखून है, वो सारे के सारे निकाल रही है। उसके बाद इन्होंने मेरे पुराने नखून काट दिए। मुझे ना अपने नखूने से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट फिर भी ये एक्सटेंशन मुझे करवाने थे, मुझे देखना था कैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने कटवा दिए। उसके बाद ना ये अजीब सा इंस्ट्रूमेंट था, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, उससे ना ये मेरी खाल पीछे करनी थी, जिससे कि जो मेरे नेल्स हैं, जो नकली नेल्स होंगे, वो आराम से फिक्स हो जाएँ। उसके बाद इन्होंने मेरे नखून से ना वो जो नकली नेल्स है वो एकदम से नापे कि कौन सा फिक्स होगा कौन सा नहीं फिक्स होगा। उसके अंदर घिस घिसा के इसको सेट कर रही है ताकि ये नखून में फिक्स हो जाए। उसके बाद इन्होंने ना इसको ना नखून वाला कोई गोंद आता है वो लगाया, और फिर ना ये धीरे धीरे चिपका दिया। अब ये सारी फिंगर्स पे ना ऐसी कर रही हैं, आराम आराम से उनको घिस घिसा के ना आराम से फिक्स कर रही हैं। और इनका ना यहाँ पे पूरा नेल पेंट का कलेक्शन है, कि जो भी इनके पास नेल पेंट अवेलेबल है, और ये अच्छे से मेरे नखूनों में ना ये सारे नखून इन्होंने नकली वाले आराम से फिक्स कर दिए। फिर इनको ना फाइनल फिनिशिंग दी, मतलब इनको ना अलग सी शेप दे रही थी कि मुझे कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, तो उस शेप के अकॉर्डिंग ये अच्छे से उन्हें घिस रही थी। और यार घिसती चली गई, और अब ना जैसे जैसे ये हो रहा था ना, मुझे अजीब सा डर लग रहा था, बिकॉज अब मेरा दिल नहीं हो रहा था कि मैं कराऊँ। मैंने राइट हैंड पे कराया, लेफ्ट हैंड पे क्यों नहीं कराया, बिकॉज मेरे इसके ऑलरेडी लंबे नखून और मुझे नहीं कटवाने। यहाँ पर ना अब ये मेरी नखूनों को शेप दे रही हैं, जो सी मैंने इन्हें बोली थी, और मैंने ना थोड़े लंबे ही रखे हैं, बिकॉज मुझे देखना था लंबे नखून कैसे लगेंगे और उनके साथ कैसे सर्वाइव होगा। और यहाँ पर ना मैं उससे नेल पेंट पूछ रही हूँ कौन सी चाहिए, तो मैंने कहा आप कोई भी डार्क कलर कर दो, बिकॉज अच्छे से विजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि जब आप करा रहे हो तो फिर दिखना भी चाहिए ना, हाँ हाँ हमने तो कुछ करवाया है, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इन्होंने ये पिंक कलर अच्छे से इस पर अप्लाई करा है, और यार अभी तक तो मुझे बेटर लग रहा है, बट यार मुझे ना अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि नकली चीज़ तो नकली होती है, बट फिर भी यार ये देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। उन्होंने ना मेरी एक बीच की फिंगर पे ना ग्लिटरी सा कलर रखा है, और वो ग्लिटरी मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब वो बहुत क्यूट लग रहा था। और यहाँ पर ना मैंने अपनी सारी की सारी नेल पेंट लगवा लिया, और ये ना मेरा फाइनल लुक है कि नेल एक्सटेंशन कुछ ऐसा हुआ है। अब देख लो आप कैसा हुआ है। दिस वन द शॉप जिसमें मैं गई थी और मैंने अपने नेल एक्सटेंशन कराए हैं, और ये कैसा हुआ है या क्या रिव्यू है वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ, ठीक है? मुझे मम्मी के साथ कहीं जाना है, तो मैंने उन्हें नीचे बुलाया, मैं अभी घर आई हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे नेल देखेंगी,
कि कैसे हुए हैं कैसे नहीं होंगे, उनका फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा रहता है वो बताएंगी। तो चलो देखते हैं क्या बोलती है, कैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, एक बार आपको से पूछो। नहीं, ये देख के दो दो, ये 100 रुपए में अच्छे नहीं है ना, वेस्ट हो गए ना। इतने तो नेल पेंट तो बदले भी लगा लेते हैं। क्यों? हाँ, नेल एक्सटेंशन मेरा, एक्सटेंशन आर्ट जो भी है वॉट एवर, दिखाऊं कुछ कहेगा तो नहीं। मुझे क्या कहना, तेरे नखून है। अरे कुछ तो बोले, स्पीचलेस हो गया। मुझे पसंद नहीं आए, मुझे खुद नहीं आए, तुझे क्या आएंगे। अब मैं आपको देती हूँ इनका रिव्यू। देखो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज के टाइम में 100 रुपए में कुछ नहीं आता। आपके फिर से पैर प्रदर्शन हो रहे, ठीक है, 100 रुपए में कुछ नहीं आता। और ये वही कुछ है, आप ऑनलाइन जाओ, प्लास्टिक के नाखून खरीदो और 30 रुपए की गोंद से लगा लो और फिर नेल पेंट लगा लो, वो वाली चीज है, ठीक है। तो यार वो जो होते ना महंगे महंगे जो होते हैं, मतलब 4,000-3,000, तो वो वर्थ इट होंगे शायद, पर ये 100 रुपए मेरे लिए वर्थ इट नहीं था। 100 रुपए में भी मेरे आग लग गई और ये चलेगा मुश्किल से मुझे, मैं जिस हिसाब की खाना वगैरह ये सारी चीजें बनाती हूँ, ये चलेगा मुश्किल से 2 या 4 दिन, और शायद चला तो चला हुआ कि मुझे नहीं पता, ये शायद मैं शाम तक ही उखड़ जाए मेरा। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बकवास लगा मुझे, वॉट एवर जो भी था, पर 100 रुपए में क्या आता है। तो ठीक है यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।